मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अलमास कॉलोनी में जिस तरह से एक 22 माह के बच्चे को बताया जा रहा था कि इसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसे जो है कोरोना वायरस संक्रमित हो सकता है, और जो डॉक्टर सिद्दीकी अलमास हॉस्पिटल के, उन्होंने जो है कोविड-19 का जो है टेस्ट कराने के लिए कहा था, वो डॉक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने जो बच्चे को अंदेशा एक अनुमान लगाया था कि इसे जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हो सकता है। नहीं देखिए, वो बच्ची एक बेसिक मेडिकल साइंस का डेटम है। आज के ज़माने में जो भी बच्चे आ रहे हैं, सर्दी खांसी बोल कर जो आ रहे हैं या सांस फूल रही, ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं ना, तो उनको दो तरीके से दिखाता है, सिंपल फ्लू है या कोरोना के सिम्टम्स है। इस लैंग्वेज में हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसके लक्षण पूरे वायरल फीचर्स ही लग रहे थे, और वो ऐसी मदर बोल रही थी कि उसको बुखार आ रहा है और खांसी बहुत भयंकर आ रही है, ऐसी खांसी आता कभी उसको दिखी नहीं, और बच्चे को दम भी लग रहा है, सांस चल रही है। तो ऐसे सिम्टम्स में डेफिनेटली हम लोगों को कंसिडर करना होता है सडन ऑनसेट विथ फीवर, तो हमको निमोनिया, वायरल निमोनिया कंसिडर करना होता है। तो हमने मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने एक वायरल निमोनिया रखा था, उसको मैंने एग्जामिन किया तो बच्चा कंफर्टेबल था, लेकिन उसको मदर बोले सांस बहुत तेज़ चल रही थी, थोड़ा भाप अब दिला के लाए थे, बच्चा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन मदर बहुत पैनिक थी। तो मैंने एग्जामिन किया तो मुझे फीचर्स उसके लगे वायरल निमोनिया जैसे ही लगे, तो मैंने उनको मेडिसिन लेके दे रहा था। तो मैंने पूछा, ये बताओ कि कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं? मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊँ, वो बच्चा मैंने अपने काउंटर पर बोल के रखा हूँ, जैसे कोई भी बच्चा आता है तो पहले ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर पूछ लो सर्दी खांसी से। तो उन्होंने स्टाफ ने मालूम किया कि ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ लेडीज से मिलने के आए थे, डाउटफुल थे, कहीं वहाँ से मिडिल ईस्ट या कहीं से बाहर से आए थे, तो उन्होंने फ़ौरन पेशेंट को दूसरे केबिन में ले लिया। मैं बाहर नमाज कर गया था, मैं जैसे आया फ़ौरन तो मुझे बोला कि पहले वो पेशेंट को देखो। उसको मैंने एग्जामिन किया तो मेरे को सिंपल वायरल निमोनिया से लगा, कुछ खास लगा नहीं। हाँ, बच्चे के थोड़ी सांस तेज चल रही थी, मैंने एग्जामिन किया, मैंने उनको मेडिसिन दिया। मैंने जब पूछा ट्रैवल हिस्ट्री तो बोल रही, हाँ उसको जो है जयपुर से कुछ लोग रिलेटिव हमारे घर पर आए थे, और हम लोग बॉम्बे 3-4 दिन के लिए घूमने गए थे, और मैं भी साथ में बच्चे के लिए गई थी, और उसके जीजा जी थे वो हमारे ग्रुप से अलग होकर 3-4 दिन के लिए बाहर चले गए थे, और वो किस किससे मिले हमको नहीं मालूम। और फिर बाद में वापस हमारे पास आए थे, जब वापस जयपुर लौटने लगे तो उन्होंने बच्चों को गोद में लिया, बहुत लाड़ प्यार किया बच्चे को, तो हो सकता है उससे लगाओ। तो मैंने पूछा, नहीं, मैंने फिर से पूछा उनसे कि मिडिल ईस्ट से आया था या कोई यूरोप से कोई आया था, चाइना से कोई, बोले नहीं सब मुझे मालूम नहीं। तो मैं बोला, अच्छा अगर नहीं मालूम है तो मैं दवा तो दे रहा हूँ अभी इसको, बच्चा तो कंफर्टेबल लग रहा है, फिर भी आपको चाहिए तो कुछ टेस्ट मैं बताऊँ करवा लो। तो उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट तो कोविड-19 PCR ही होता है, ठीक है, क्लिनिकली हालांकि देखे कुछ खास लग नहीं रहा था। तो मैंने उसके अलावा कुछ और ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जिसके और प्लस जैसे CRP होता है, प्रोकैल्सिटोनिन होता है, SGOT होता है, LDH होता है, डी डाइमर्स होते हैं, और प्लस एक्सरे टेस्ट होता है। तो मैंने ये सब बोला, सब CBC होता है, मैंने बोला ये सब चीज़ करवा लो, और अगर चाहिए तो फिर कस्तूरबा से करवा लो, अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर 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 कोई पेशेंट ऐसा बोले कि हमको आपने जो उसको पेपर दिए थे, जो रेफरिंग दिए थे, उसे कस्तूरबा भी दिखाया गया, कलवा हॉस्पिटल कस्तूरबा का दिखाया है आपने, तो टेस्टिंग के लिए कस्तूरबा ही जाना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा था कि उस बच्चे को वाकई में क्या कोरोना का संक्रमित उसको था? आज के ज़माने में आप किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछेंगे, भाई वायरल निमोनिया में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, मैं तो 1% बोल रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर बोलेगा 10% पेशेंट्स को वायरल निमोनिया में कोरोना भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसका मतलब नहीं सबको कोरोना है, समझ रहे ना? तो या तो दो चीज़ें पेशेंट को चाहिए, एक दो टाइप के पेशेंट होते हैं, एक चाहता है कि मुझे तुरंत डायग्नोसिस बताओ, एक पेशेंट चाहता है ठीक है मैं वेट करूंगा और जैसे सिम्टम्स आएंगे मैं डायग्नोसिस पे जाऊंगा, और कोई बोलता है कि कल को आप मेरे पास आए बोले डॉक्टर साहब मेरे को कोरोना है यानी कन्फर्म बताओ, तो दुनिया कोई माइकल लाल सिवाय अल्लाह के बता नहीं सकता PCR टेस्ट किए बगैर। वो PCR टेस्ट भी बहुत मरतबा नेगेटिव आता है मरीजों को, और कई मरतबा ऐसा पाया गया कि पहले टेस्ट कराया नेगेटिव, सेकंड टेस्ट नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव आया, ऐसा भी पाया गया। तो ये मतलब नहीं कि कोविड PCR ही डायग्नोसिस टेस्ट है फिलहाल के लिए। तो उसके इनडायरेक्ट टेस्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट में CBC है, CRP है, SGO, मरीज ने कुछ किया नहीं, मुमरा वहाँ से यहाँ पर आई वो लेकर के, तो अब नर्सिंग लैब भी जा सकती थी चाहती तो वो करवा लेती। एक्चुअली पैनिक थी मुझे लगा, अच्छा मुझे इस तरह अंदाज़ा नहीं हुआ, बना मैं उसको अच्छे से काउंसिल भी करता। आपको ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को कोविड-19 है, तो आपको फिर तो फिर आपने फिर ऐसा क्यों लिखा जो है कि उसकी माँ जो है इतना परेशान हो गई ये बात लेकर? फिर बहुत सही सवाल पूछा आपने, जब कोई मदर बोलती है कि मेरे बच्चे को ऐसी खासी आज तक नहीं आई, मदर बोलती है कि 8 साल के बाद बच्चा हुआ, मदर बोलती है कि ट्रैवल हिस्ट्री बता रही है वो भी डाउटफुल, मदर ये बोल रही है कि हमारे पास साथ में रिलेटिव आए थे वो बाहर घूम करके आए थे और मुझे मालूम है किस किस से मिले, जब इतनी सारी चीज़ें बोलती है और वो कन्फर्मेशन चाहती है, तो ये बताओ मेरी जगह आप हो गए तो आप वो टेस्ट नहीं कराओगे ना? अगर कल को सपोज वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक निकला, और उसमें PCR पॉजिटिव आया, कोई नहीं बोल सकता बिना कन्फर्मेशन के। तो मैंने उनको बोला ये ब्लड टेस्ट भी कर लो, ये एक्सरे भी कर लो, ये टेस्ट भी कर लो, और ये सब टेस्ट मुमरा में होते हैं आप करा लो, ये टेस्ट अपना कस्तूरबा में होता है करा लो, तो उसमें कौन सा गलत किया मैंने? मेरी जगह आप भी हो तो आप भी वही करते, या कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर वही करता, वही करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में इस करंट कॉन्टेक्स्ट में आप इस टेस्ट के बगैर बोल नहीं सकते।
हाँ डेफिनेटली उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों पे आपको, आपने बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर चला दे तो मज़ा आ जाता। मुमरा में आप उधर घूम के, मैं थाना से कल रात में निकला था राउंड पे, दो तीन बच्चे कासे के सीरियस थे, जब निकला था पूरा कर्फ्यू वाला सिचुएशन, मेरे को चार बार, मेरा आई कार्ड जुपिटर का कार्ड था मेरे पास, चार बार चेक किया गया। मुमरा में घुसते ही जैसे स्टेशन के पास घुसो, भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है मेला चल रहा है, लोग टहल रहे हैं, मस्त मज़े से घूम रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर आपको न्यूज़ चला तो मज़ा आ जाता। यही तरीका बचने का, मैं आपको ऑनेस्टली से बताऊँ, अपन स्टेज थ्री में जा रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई है तो ये भयंकर महामारी होने वाली है। डॉक्टर साहब, जो 22 महीने की क्लिनिक के लिए आप पूछो मेरे से, तो डेफिनेटली चांसेस बहुत कम है, जीरो नहीं बोल सकता कोई भी डॉक्टर इस सिचुएशन, जीरो नहीं बोल सकता, 1% बोल सकते हैं, 2% बोल सकते हैं, कम चांसेस हैं। तो अब 1% तो मैं यहाँ बैठा हूँ, छत गिर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि छत गिर गई, आप समझ रहे ना। तो 1% चांसेस है, हेल्दी 65 इयर्स को आदमी बैठा है, बात कर रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, चांसेस हैं। तो मतलब हम क्लिनिक साइंस में ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज मात्रा है। हाँ, अगर मेरे को मरीज़ बोलती कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप दवा दो और मैं बाकी टेस्ट भी कराती हूँ, लेके आती हूँ और फिर अपन देखेंगे कुछ लक्षण लगे तो करेंगे, वो बात बनती ना, तो मुझे उन्होंने कुछ ऐसा बताया। अब वो कोई में से मरीज़ में से मुझे बताओ, मुझे कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, मुझे बच्चों मुझे करना ही करना है, उन्होंने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो टेस्ट करना ही करना है, जैसा भी बताओ करा लो, तो जाहिर है मैं नहीं लिख के दूँ तो मैं क्रिमिनल हूँ वहाँ पर। अब मरीज़ बोल रहा है मेरे को टेस्ट बताओ और मैं उनको नहीं लिख के दूँ तो मैं क्रिमिनल हूँ। आपने लिख कर दिया है, उसे चेक कराना चाहिए, चूंकि अगर देखो एक मेडिकल साइंस में एक डिक्टम है, नहीं सुनिए मेरी बात, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए उसे, एक बेसिक डिक्टम है, अगर कोई पेशेंट डिमांड करता है, कोई पेशेंट डिमांड करता है कि मुझे इस टेस्ट को कंफर्मेशन बताओ, ट्रैवल हिस्ट्री बता रहा है और डाउटफुल ट्रैवल हिस्ट्री बता रहा है और ऐसा बता रहा है कि मेरे बच्चे में ये सब कुछ है, तो मैं पहला टाइम उसको संतुष्टि दूंगा, भाई टेंशन मत ले, अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं अपने कि सबका टेस्ट कराते फिरेगी, तो आप पहले बेसिक टेस्ट करा के लेकर के आओ, उसके लक्षण देखते हैं, इंतजार करते हैं, नहीं मिला तो कोविड करा लो, क्योंकि अब अच्छा अगर मैं कोविड नहीं मेंशन करता, पेशेंट अभी ये क्या माहौल ऐसे चला कि हमको हम लोग इधर आके ओपीडी करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। मैं तो अपने राउंड के लिए आया था बच्चों को देखने के लिए, उससे मैं दो चार पेशेंट बैठे थे, बहुत सबसे देख लिया, मैं नमाज़ पढ़ के बोले निपट के जाऊँगा बोल के। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट आज मेरे पास आया, चार दिन पाँच दिन बाद नहीं आया, छठे दिन पेशेंट सीरियस करके लाया, तो जो कोविड-19 PCR का जो टेस्ट था, जब पेशेंट इतनी सारी चीज़ें बोलता है, वो पेशेंट पैनिक मोड में था, एकदम पैनिक मोड में था, और अगर पेशेंट डिमांड करता मुझे कन्फर्मेटरी टेस्ट बताओ, तो भाई मुझे क्या कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर तो बोले भाई वो करा के लेके आओ, उसी से कन्फर्मेशन बता दे, हमारे पास कोई वही नहीं उतरती है। हम लोग साइंस के हिसाब से जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स के हिसाब से जाते हैं, और बहुत सारे जो सस्ते टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट वो करते हैं, बाद में फाइनल टेस्ट पे जाते हैं। अगर मुझे मरीज़ बोलते हैं नहीं भाई हम इंतज़ार करते हैं, आप डॉक्टर साहब आराम से मुझे बताओ कि हम सिम्टम्स देखेंगे और फिर बाद में करेंगे, वो बात समझ में आती, बट वो इतनी पैनिक थी, उसको रीज़न उसकी भी मुझे, मैं उस मदर से भी थोड़ा सा मुझे उसे हमदर्द दिए, वो बेचारी परेशान थी, वो परेशान इसलिए थी कि क्या बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री थी, 8 साल बाद में उसको बेबी हुआ है, तो शी वॉज जस्टिफाइड, शी वॉज पैनिक, देर इज नो डाउट अबाउट शी वॉज पैनिक, लेकिन तो ऐसे केसेस में हमको देना भी ज़रूरी है, हम बोलेंगे नहीं कराओ बैठे रहो, तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। कोई भी पेशेंट इस वक्त वायरल निमोनिया अगर आएगा, इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं सीधे पेशेंट जाओ, तुम कस्तूरबा जाओ, आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से किसी भी फिजिशियन से पूछ लो कि ये बात जस्टिफाइड है कि नहीं। हाँ, अगर कोई पेशेंट पैनिक्ड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते उसको मत जाओ, इस करंट माहौल में कितने लोग हमारे बीच में पता नहीं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होंगे कोविड-19 के, पता नहीं है ना, तो इसलिए इस माहौल में बिल्कुल सही जस्टिफाइड है वो करना, और करना भी चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो डॉक्टर सिद्दीकी हैं उन्होंने बताया कि जो बच्चे की माँ थी, उस माँ ने जो है डॉक्टर साहब से कहा था कि जो है हमें कोविड-19 का जो है टेस्ट कराना है, इसलिए जो है इन्होंने वो कोविड-19 का जो है टेस्ट करने के लिए जो है लिखकर दिया था। और जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो बच्चे की माँ कह रही थी कि कोरोना वायरस की जो है उसे संदिग्ध जताई थी, हमने भी वही खबर चलाई थी कि कोरोना वायरस की जो है इसे संदिग्ध यानी जो है संदेह जो है बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उनका कहना है कि जो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर उसकी बच्चे की मां ने जो डिमांड की थी कोविड-19 के टेस्ट के लिए, उनके डिमांड पर जो है इन्होंने लिखकर दे दिया था। बहरहाल जो बच्चा है उसको उसकी हालत जो है अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की बात सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अब जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।